हेलो दोस्तों, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। दोस्तों, आज वाली क्लास में हम लोग नाउन के अंदर नंबर्स को पढ़ेंगे। नंबर मतलब वचन, सिंगुलर और प्लूरल, उसे आप नंबर कहते हैं, वचन, ठीक है ना। नंबर मीन्स होता है कि काउंटिंग करना। अगर कोई नाउन काउंट करने में एक आता है तो वो सिंगुलर होता है, अगर कोई नाउन काउंट करने में एक से ज्यादा आता है तो फिर वो प्लूरल होता है, ठीक है ना। तो सिंगुलर और प्लूरल की बात करने वाले हम लोग यहाँ पर, नाउन्स के अंदर नंबर की बात करेंगे। और चूंकि नंबर जो वचन वाला पार्ट है बहुत लंबा है, इसलिए मैंने कुछ इस पार्ट्स में आपको पढ़ा रहा हूं। तो नंबर में पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट वन, पार्ट टू, है ना, पार्ट थ्री, इस तरह से अलग अलग पार्ट करेंगे। नंबर मीन्स वचन, वचन की बात करेंगे आप, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, ठीक है ना। तो क्या क्या होते हैं, किस किस तरह से सिंगुलर प्लूरल बनते हैं, उन सब पे बात करने वाले। तो देखिए, आप नंबर की बात करें तो नंबर मींस काउंट, नंबर मींस होता है संख्या, गिनना, काउंट करना। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर इज कॉल्ड नंबर। कोई नाउन वन है कि एक से ज्यादा है, उसे आप नंबर कहते हैं। अगर वो वन है तो सिंगुलर है, एक से ज्यादा, सवा, डेढ़, दो है तब भी वो प्लूरल है, तीन, चार, पांच है तब भी वो प्लूरल है। तो नंबर मीन्स काउंट, काउंट मीन्स कोई नाउन वन है कि मोर देन वन है, उसे आप नंबर कहते हैं, ठीक है ना। वन और मोर इज कॉल्ड नंबर। देर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर्स इन इंग्लिश। दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर नंबर क्या होता है, जब कोई काउंट करने में कोई नाउन एक आता हो, उसकी संख्या, उसका नंबर, काउंटिंग एक होती हो, तो उसे आप सिंगुलर कहते हैं। अगर वो एक से ज्यादा होता है तो उसे आप प्लूरल कहते हैं, ठीक है ना। नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। अगर कोई नाउन एक पर्सन को, एक थिंग को डिनोट करता है तो इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। तो उसे ही क्या कहते हैं आप लोग, सिंगुलर कहते हैं। अगर वो काउंट करने में एक होता है तो सिंगुलर है, ठीक है ना। जैसे बॉय सिंगुलर है, गर्ल, बुक, पेन, चेयर, काउ, बर्ड, क्रू, फैमिली, क्लास, ये सारे एग्जाम्पल है। इसमें पर्सन्स भी आ गए, थिंग भी आ गई, इसमें एनिमल्स भी आ गए, इसमें कॉमन नाउन भी आ गए, इसमें कलेक्टिव नाउन भी आ गए। फैमिली और क्लास कलेक्टिव नाउन है, ये सब सिंगुलर है। और इंग्लिश में वैसे एक सिंपल सा रूल है कि जब भी आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना होता है तो उसमें आप एस, ई एस, है ना, इस तरह से वर्ड जोड़ देते हैं। तो ये सब सिंगुलर है क्योंकि काउंट करने में एक पर्सन या एक थिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब वो काउंट करने में एक हो, एक पर्सन हो, एक थिंग, एक एनिमल हो, तो उसे आप सिंगुलर कहते हैं, ठीक है ना। तो सिंगुलर है। फिर प्लूरल नंबर की बात करते हैं हम लोग। प्लूरल, ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग। अगर एक से ज्यादा पर्सन हो, एक से ज्यादा थिंग हो, तो उसे आप प्लूरल कहते हैं। एक से ज्यादा पर्सन हो, एक से ज्यादा थिंग हो, तो उसे आप प्लूरल कहते हैं, ठीक है ना। जैसे बॉय का बॉयज हो गया, गर्ल का गर्ल्स हो गया, बुक्स, पेन, जो वहां पे सिंगुलर पड़े थे उन सब में हमने कहीं एस लगा दिया। क्रोस, फैमिलीज में, फैमिली में वाई था तो आई एस कर दिया, क्लास का क्लासेस कर दिया, वो आगे रूल पढ़ेंगे भी आप लोग। तो अगर काउंट करने में एक होता है तो सिंगुलर होता है, एक से ज्यादा होता है तो फिर वो प्लूरल होता है। मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड प्लूरल नंबर, उसे आप प्लूरल नंबर कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इन इंग्लिश प्लूरल डिनोट्स मोर देन वन। मैं बार बार, कल भी मैंने लास्ट क्लास में समझाया था आपको, एक से ज्यादा अगर है तो वो प्लूरल है, चाहे वो फ्रैक्शन नंबर्स हो, एक और दो के बीच की संख्याएं होंगी ना, वो भी प्लूरल होंगी। एक से ज्यादा प्लूरल होता है, एक होता है तो सिंगुलर होता है। इट कुड ऑल्सो बी लेस देन टू, ये दो से भी कम हो सकता है। सो वन प्लस अ फ्रैक्शन इज कंसिडर्ड प्लूरल। इसका मतलब एक में अगर कोई फ्रैक्शन जोड़ते हैं वन, है ना, ये सब भी जो है प्लूरल होते हैं। अगर कोई फ्रैक्शन जोड़ते हैं वन के अंदर तो भी प्लूरल में आएंगे, एक से ज्यादा होते प्लूरल हो जाता है। जैसे वन एंड हाफ ईयर्स, नॉट ईयर, वन एंड ए हाफ, वन एंड ए हाफ हो गया तो प्लूरल आएगा years, one and half feet, not foot, क्योंकि foot का plural होता है feet, तो one and half हो गया, तो मतलब plural हो गया, तो foot नहीं आएगा, feet आएगा, one and quarter hours, one and quarters hour, यानी कि सवा घंटा, तो hours होगा, हिंदी चाहे वो सवा घंटा बोलती हो,
सवा घंटे बोलती हो, बट इंग्लिश जो है उसको वन एंड क्वार्टर आवर्स बोले, वन एंड क्वार्टर आवर्स। तो ये वन एंड क्वार्टर प्लूरल है, वन एंड हाफ प्लूरल है, वन एंड हाफ प्लूरल होते हैं, फिर मैं प्लूरल नाउन यूज करेंगे, ठीक है ना। एक से ज्यादा होते हैं प्लूरल होता है, बात समझ आ गई आपको। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि किस तरह से सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाया जाता है, उसके बहुत सारे तरीके हैं, इसलिए इसको हम अलग अलग पार्ट में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी बातें इसमें, बहुत सारे रूल्स होने वाले हैं। तो देखिए आप, फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स, प्लूरल बनाना कैसे, प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं, उसका रूल नंबर एक है कि नाउन में जब भी प्लूरल बनाना होना तो बहुत सिंपल सा रूल है, उसके अंदर एस जो, एस और ईएस जोड़ने से किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बना सकते हैं। इस इंग्लिश का एक बहुत सिंपल सा रूल है, इंग्लिश में अगर प्लूरल बनाना हो तो नाउन में आप क्या जोड़ दें, एस या ईएस जोड़ दें। तो पहले हम एस की बात करते हैं, नाउन्स में जनरली हम एस जोड़ देते हैं, एस जोड़ते हैं, रेगुलर प्लूरल फॉर्म ऑफ अ नाउन इन इंग्लिश, ये रेगुलर प्लूरल फॉर्म, एस जोड़ते ही नाउन प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय में एस जोड़ा बॉयज हो गया, गर्ल में एस जोड़ा गर्ल्स हो गया, बुक में एस जोड़ा क्या हो गया, बुक्स हो गया। नाउन में एस जोड़ देने से नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। हालांकि इसमें रूल है, बॉय का एक अलग रूल होता है कि अगर लास्ट में वाई हो, उससे पहले एक सिंगल वॉवल हो, तो केवल एस ही जोड़ दे। बाकी अगर जैसे अगर कहीं आर्मी लिखा हुआ है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा के आई करते हैं, फिर ई एस जोड़ते हैं, तो आर्मीज होता है, ठीक है ना। तो वो रूल हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक सिंपल रूल तो ये। फिर देखिए आप दूसरा रूल क्या है, अगर किसी शब्द के लास्ट में आपको नाउन्स एंडिंग, कोई नाउन के एंड में एस हो, डबल एस हो, एस एच, सी एच, एक्स, जेड या डबल जेड हो, तो आप ई एस जोड़ते हैं। सिंगुलर नाउन में क्या जोड़ते हैं, आप ई एस जोड़ते हैं। अगर किसी नाउन के लास्ट में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ओ हो, एक्स हो, डबल जेड हो, जेड हो, तो उनमें आप लोग ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। एक बहुत सिंपल सा रूल है, जब किसी नाउन में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, डबल जेड, जेड अगर ये होते हैं तो आप ई एस जोड़ते हैं। जैसे बस, बस के लास्ट में ई एस है, इसका प्लूरल बनाना हो तो एस में ई एस जोड़ते हैं, बसेस, बस का हो जाएगा बसेस, इसका साउंड यहाँ पे इज आएगा, इज बसेस। अगर आप फोनेटिक सिंबल्स की बात करें तो इज का साउंड बसेस। क्लास का क्या हो जाएगा, डबल एस आ गया देखो तो क्लासेस, बुश में एस एच आ गया तो क्या बात कर रहे थे, एस आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ गया तो क्या हो जाएगा, बुशेस, एस एच में ई एस जोड़ दे, ठीक है ना। इसी तरह देखना आप, अगर सी एच आ जाए तब ई एस जोड़ना है, एक्स आ जाए तो ई एस जोड़ना है, फॉक्स, बॉक्स, ई एस जोड़ दिया, टोपाज में जेड आ गया तो ई एस जोड़ दिया, क्विज में आई जेड था, लास्ट में जेड हो से पहले एक सिंगल वोवल हो, तो क्विज का जो डबल जेड है ये डबल हो जाएगा, जेड डबल हो जाएगा, क्विजेस, क्विजेस हो जाएगा, क्विज, क्विजेस, क्विज है ना, प्रश्नोत्तरी वगैरह, तो लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट है उससे पहले सिंगल वोवल है तो ई एस जोड़ते समय ये डबल जेड हो जाए, डबल हो जाता है लास्ट का लेटर, ठीक है ना। तो ये हो गया ई एस वाला, तो हमने एक रूल पढ़ लिया एस जोड़ के और एक पढ़ लिया ई एस। ई एस के अंदर हमने खास देखी बात कि ऐसे नाउन्स ही आते हैं ई एस में जिन नाउन्स के लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, डबल जेड, इस तरह के लेटर्स लास्ट में आते हैं। तो ये दो रूल हो गए। आगे बात करते हैं, इसके कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है। ऑक्स, ऑक्स के लास्ट में एक्स है, जैसे फॉक्स के लास्ट में एक्स था, बॉक्स के लास्ट में एक्स था, और इनमें हमने फॉक्सेस किया था, बॉक्सेस किया था, ठीक है ना। लेकिन ऑक्स का प्लूरल ईएस लगा के नहीं बनता, ऑक्स का ऑक्सन होता है, एक अपवाद है, एक्सेप्शन, ऑक्सन होता है। मोनार्क और स्टमक का रीजन है, मोनार्क में इसको सी एच ना चै का साउंड नहीं दे रहा, अगर सी एच चै का साउंड देता है, जैसे चर्च, चर्च सी एच अगर चै का साउंड देता है तो ई एच जुड़ता है, अगर सी एच कै का साउंड देगा, क्योंकि सी एच का साउंड कै भी होता है, अगर कै का साउंड देता है
तो फिर आप इसमें केवल एस जोड़ेंगे, फिर केवल क्या जोड़ेंगे एस, तो मोनार्क, इट्स मोनार्क नॉट मोनार्च, बड़े राजा को बोलते हैं, तो यहां पे मोनार्क्स होगा, क्या होगा दोस्तों मोनार्क्स होगा, मोनार्क्स। ऐसे स्टमक, सी एच जो है यहां पे चै का साउंड दे रहा है, स्टमक पेट के लिए बोलते हैं स्टमक, तो यहां कै का साउंड आ रहा है, कै का साउंड आ रहा है, तो इसमें भी आप से लगाएंगे, एस लगाएंगे, स्टमक्स। अगर सी एच चै का साउंड देता है तो आप उसके अंदर ई एस जोड़ेंगे, अदरवाइज फिर आप उसके अंदर एस ही जोड़ेंगे, ठीक है ना, ये वाली बात है। फिर आगे देखिए रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड पे बात करते हैं, ओ के लिए है, ऐसे नाउन्स जिसके लास्ट में ओ आता हो, लास्ट में क्या आता हो ओ आता हो, और प्रिसीडेड बाई ए कॉन्सोनेंट, और उससे पहले कॉन्सोनेंट आता हो, व्यंजन वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू वो नहीं आते हो, एक कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद एक ओ हो, कॉन्सोनेंट के बाद क्या हो ओ हो, तो कौन एक ओ हो और प्रिसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, उससे पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, तो फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस, तो उसमें ई एस जोड़ना, जैसे देखना टमेटो लास्ट में ओ है उससे पहले टी, टमेटो तो टी ओ आ गया, लास्ट में ओ उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो ई एस जोड़ेंगे, टमेटोज, क्या हो जाएगा टमेटोज। ऐसे अगर मैंगो है, मैंगो में जी ओ आ गया तो मैंगोज, हीरो का हीरोज, बफेलो के दो दो है, तो ई एस जुड़ के और एक एस जुड़ के, हालांकि ई एस वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। ऐसे वॉलकैनो ज्वालामुखी वगैरह, तो वॉलकैनोज ई एस भी हो सकता है एस भी हो सकता है, यह एक नोट की बात करने की बात है कि जो दो एग्जाम्पल दिए ना ये वाले, ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनमें दो दो चीज होती है, एग्जाम्पल्स गिवन अबव देयर आर टू प्लूरल फॉर्म्स, दो दो प्लूरल फॉर्म है इसके, बट द ई एस फॉर्म इज मोर पॉपुलर, जो ई एस वाली फॉर्म है ना बफेलोज में जिसमें ई एस लग रहा है वो ज्यादा पॉपुलर है, बफेलोज एस वाला भी ठीक हो सकता है बट ई एस वाला ज्यादा पॉपुलर है, अब ये ज्यादा माना जाता है बफेलोज ई एस वाला, ऐसे वॉलकैनोज, तो ये खास बात है दो एग्जाम्पल्स के लिए जिनके दो दो प्लूरल फॉर्म है और दोनों ठीक है बट ई एस वाली ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है ना, ये बात है, तो ये कॉन्सोनेंट प्लस ओ वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, इस तीसरे का एक बी हो, मतलब ओ के रूल पढ़ रहे हैं, ओ में हमने एक बात पढ़ ली कि कॉन्सोनेंट प्लस ओ हो, अब हम दूसरी बात करते हैं, बट वर्ड्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो फॉरेन से लिए गए, ओ से एंड होते हैं, उनसे पहले कॉन्सोनेंट भी है, वो फॉरेन वर्ड्स हैं या कुछ एब्रीविएटेड वर्ड्स हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, उनमें लास्ट में ओ है, पहले कॉन्सोनेंट है, फिर भी ई एस नहीं जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं केवल, ये रूल है, बट वर्ड्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन और एब्रीविएटेड वर्ड्स एंडिंग इन ओ एड एस ओनली, जिनके लास्ट में ओ है लेकिन वो केवल एस ही जोड़ते हैं, ये कुछ तो फॉरेन वर्ड्स हैं और कुछ इसमें एब्रीविएटेड है, एब्रीविएटेड मतलब संक्षिप्त छोटे फॉर्म, बड़े का छोटा नाम, जैसे प्रोविजो जो प्रोविजन का शॉर्ट फॉर्म है, इसके लास्ट में ओ है प्रोविजो में और उससे पहले कॉन्सोनेंट है एस ओ, केवल एस जोड़ेंगे ई एस नहीं जोड़ेंगे, प्रोविजंस प्रावधान रूल्स है ना, ऐसे प्रोविजंस केवल एस जोड़ेंगे प्रोविजोस, ऐसे डायनेमो, डायनेमो का डायनामोस केवल एस जोड़ा, किलो किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है, ध्यान होगा आपको किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएटेड है, एब्रीविएटेड वर्ड शॉर्ट फॉर्म है किलो, तो किलो में केवल एस जोड़ा जाता है किलोज, क्या होगा दोस्तों ये किलोज होगा। ऐसी टेम्पो, टेम्पो का क्या करेंगे आप टेम्पोज एस जोड़ेंगे, केवल क्या जोड़ेंगे एस टेम्पोज। फोटो का फोटोज, फोटोग्राफ का शॉर्ट फॉर्म होता है, पूरा होता है फोटोग्राफ, फोटोग्राफ जी आर ए पी एच हटा दिया शॉर्ट फॉर्म कर दिया, केवल एस जोड़ेंगे क्योंकि फोटोग्राफ्स होता है ऐसे फोटोज हो, किलोग्राम्स होता है तो किलोज होगा, एस जोड़ेंगे केवल ई एस नहीं। ऐसे अगर कुछ एब्रीविएटेड फॉर्म्स आ जाएं या कोई फॉरेन ऐसे वर्ड्स आ जाए जैसे प्रोविजो, पियानो का पियानोज, ठीक है ना, केवल एस जोड़ेंगे, तो इन वर्ड्स में केवल एस जोड़ा जाता है, हालांकि इनके से पहले कॉन्सोनेंट होता है,
फिर भी इसमें ईएस ना जोड़ करके केवल एस जोड़ते हैं। अब इसी में बात करते हैं तीसरी, वोवल प्लस ओ अगर आ जाए, ओ से पहले वोवल आ जाए, जैसे रेडियो में ओ से पहले आई आ गया, आई ओ, तो ओ से पहले वोवल आ गया, अगर वोवल आता है तो केवल एस जोड़ते हैं, एडिंग एस टू द सिंबल, केवल एस, जैसे रेडियोज एस जोड़ दिया, रेशो का रेशोज, स्टीरियो का स्टीरियोज, स्टूडियो का स्टूडियोज, कुकू का कुकूज, देखो ओ से पहले एक ओ और आ गया तो केवल एस जोड़ा, कुकूज केवल एस जोड़ा, ठीक है ना, जू का जूज, बैम्बू का बैम्बूज, समझ रहे हैं आप लोग, केवल एस जोड़ा इसके ना, इस तरह से केवल एस जोड़ना, बात क्लियर हो रही है आप लोगों के। अगर ओ से पहले कोई वॉवल आ जाए, वॉवल, तो इसमें केवल एस जोड़, केवल एस जोड़, ठीक है ना, ये एक रूल है। कॉन्सोनेंट से पहले, अगर ओ से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो ई एस जोड़ते हैं, उसमें कुछ अपवाद है, वो एब्रीविएटेड वर्ड्स या फिर कुछ फॉरेन वर्ड्स, उसमें तो फिर आप लोग क्या करते हैं, एस जोड़ते हैं, किलोज, फोटोज, पियानोज, डायनेमोज, उनमें केवल एस जोड़े। वोवल आ जाए पहले तो भी एस जोड़ते हैं। अब इसमें भी दो दो के भी रूल होते हैं, थ्री का डी ऑप्शन देखते हैं हम लोग। कुछ नाउन कॉन्सोनेंट प्लस ओ से होते हैं, कॉन्सोनेंट प्लस ओ, जैसे हमने थोड़े पहले बफेलो पढ़ा था, हमने बफेलो के पढ़ा था ना कि दो दो, वॉलकैनो पढ़ा था, कुछ वैसे वर्ड्स में दे हैव टू प्लूरल फॉर्म्स, इनके दो दो प्लूरल फॉर्म होते हैं, एस जुड़ के भी होता है, ई एस जुड़ के भी होता है, जैसे मॉस्किटो, केवल एस लगाने से भी हो रहा है और ई एस लगाने से भी, एस भी लग सकता है, ई एस भी, मॉस्किटो में दोनों चलते हैं। बफेलो में क्या होता है, दो होते हैं बट ई एस वाला ज्यादा पॉपुलर है, एस वाला पॉपुलर नहीं, या दोनों पॉपुलर है। मोमेंटो, मोमेंटोज, मोमेंटोज, कार्गो का कार्गोस, एस लग के भी हो जाएगा और ई एस लग के, मोमेंटो में भी एस लग के भी हो जाएगा और ई एस लग के भी हो जाएगा, दोनों से काम हो सकता है, ठीक है ना। फिर आगे देखिए, नाउन्स एंडिंग इन y, कुछ ऐसे नाउन्स है जिनके लास्ट में y आएगा, देख रहे हो, लास्ट में y आएगा, लास्ट में y आएगा, है ना, और उससे पहले कॉन्सोनेंट आएगा, एम वाई, आर्मी, मैं बता रहा था आपको, ए आर एम वाई, लास्ट में y, उससे पहले कॉन्सोनेंट, तो आप क्या करते हैं, इस y को उठा के i कर देते हैं और क्या बन जाता है, आमीज, क्या बन जाता है दोस्तों, आमीज। देखो, नाउन्स एंडिंग इन वाई, किसी नाउन के लास्ट में वाई हो, प्रीसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, और उससे पहले क्या हो, एक कॉन्सोनेंट, लास्ट में वाई हो, उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आई, उस वाई को आई में चेंज कर देते हैं एंड एडिंग ई एस, और फिर क्या लगाते हैं उसके अंदर, ई एस, ये वही है, अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई आ जाए तो वाई को आई ई एस में बदल करके बनाते हैं, वाई को उठा देते हैं और आई ई एस जोड़ते हैं, तो वाई को उठा दिया और आई ई एस जोड़ दिया, सब में ऐसा क्या, देखो आर्मी में वाई था, वाई को उठा दिया और आई ई एस जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया दोस्तों, आई ई एस, ऐसे बेबी का बेबीज, सिटी का सिटीज, कंट्री का कंट्रीज, ड्यूटी का ड्यूटीज और फैमिली का फैमिली, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हो सकते। अच्छा ध्यान रखना, इसके एग्जाम्पल्स और भी हैं, खूब सारे हैं, आपने अगर मेरी बुक ले रखी हो तो उस बुक के अंदर मैंने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। अगर आपको ज्यादा एग्जाम्पल्स करने के मन कर रहा हो, ज्यादा चीजें देखने का मन कर रहा हो, नाउन्स के अंदर खूब पढ़ने का मन हो, तो आप मेरी बुक ले लीजिए, उसमें नाउन्स के बारे में मैंने खूब बात की। यहां थोड़ी लिमिटेशन है हमारे पास, हम बेसिक बस रूल्स एक बार देख लेते हैं, उनके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ज्यादा पढ़ना हो तो अपनी बुक में आप देखना, बहुत अच्छी तरह से नाउन टॉपिक को मैंने समझा रखा है, ठीक है ना। तो ये जब किसी नाउन के लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो वाई को आई में चेंज करके फिर ई एस जोड़ देते हैं, ठीक है ना। और देखिए आप, अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो लेकिन वो प्रॉपर नाउन हो, जैसे हेनरी, डोली, मैरी, जर्मनी, अगर प्रॉपर नाउन हो, लास्ट में वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, जैसे आर वाई, तो फिर यहां पर कौन सा वाई हो तो केवल
एस जोड़ते हैं, नॉट आई ई एस. हेनरी में केवल एस जोड़ेंगे, हेनरीज. वाई को हटा के आई ई एस नहीं करेंगे, क्योंकि हेनरी एक प्रॉपर नाउन है, किसी एक व्यक्ति का नाम है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है. तो प्रॉपर नाउन होते हैं जो पर्सन और प्लेस के नाम होते हैं. तो अगर कोई प्रॉपर नाउन आ जाए, वाई लास्ट में हो, कॉन्सोनेंट पहले हो, तो आप क्या करेंगे, वाई को हटा करके आई ई एस करेंगे. ठीक है ना, आई ई एस नहीं बोला, वाई को हटा के आई एस नहीं करेंगे, सॉरी, केवल एच जोड़ेंगे. हेनरीज, डॉली का डॉलीज, मैरी का मैरीज, केवल एच जोड़ना है, केवल एच, बस एच जोड़ देंगे. जर्मनी में जर्मनीज, वाई को हटा के आई ई एस नहीं करेंगे, केवल एस लगाएंगे, नॉट आई ई एस, जर्मनीज नहीं करेंगे. दो एग्जाम्पल देखना. डू यू नो द कैनिडीज, कैनिडी, वाई के साथ एस लगाया, आई एस नहीं किया, आई ई एस नहीं किया. कैनिडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह रहे हैं, जॉन कैनिडी. आई हेट मंडेज, हालांकि मंडेज में ए वाई एस है, बट प्रॉपर नाउन तो है, इसलिए आप समझ सकते हैं यहाँ पे. वैसे तो ये ए वाई है, तो इसमें तो एस लगना ही था. लेकिन फेब्रुवरी देखो, फेब्रुवरी में आर वाई है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, केवल एस जोड़ा. आई हेट फेब्रुवरीज, मुझे फेब्रुवरी से नफरत है, फरवरी के महीनों से नफरत है. तो आर वाई एस होगा, आई ई एस नहीं होगा. प्रोपर नाउन में लास्ट में वाई हो, उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, प्रोपर नाउन. अगर एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, केवल एस जोड़ेंगे, आई ई एस नहीं जोड़ेंगे. ठीक है ना. हाँ, अब आगे देखते हैं. अगर वाई से पहले वॉवल हो, जैसे बॉय, वाई से पहले ओ है, गाय, जी यू वाई, वाई से पहले यू है, ठीक है ना. तो अगर वाई वॉवल से पहले वाई हो, तो वाई में एस जोड़ते हैं, आई ई एस नहीं करते. बॉय का बॉयज, गाय का गाइज, की का कीज, टॉय का टॉयज, डे का डेज, क्योंकि लास्ट में डे में क्या है, डी ए वाई, लास्ट में वाई है, उससे पहले एक वॉवल है, तो केवल एस जोड़ेंगे. ठीक है ना, केवल एस जोड़ेंगे. तो ये वाई वाला एक रूल हो गया. इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे मनी वर्ड है, मनी का प्लूरल मनीज, एस लगने से भी होता है, और वाई को हटा के आई एस करने से भी होता है. मनी, एम ओ एन ई वाई, मनी का प्लूरल. वैसे देखो, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, वैसे मनी के प्लूरल होने नहीं चाहिए, बट अगर करना होता है प्लूरल फॉर्म मनी का, तो मनीज वाई ई वाई एस और आई एस कर सकते हैं. मनीज इज यूज इन ओल्ड इंग्लिश और इन लॉ, इट मीन्स सम्स ऑफ मनी. मनीज पुरानी इंग्लिश में वाई ई एस को उठा के, वाई को उठा के आई एस करना पुरानी इंग्लिश में यूज होता था, जिसका मतलब होता था सम्स ऑफ मनी, उस धन है उसका योग, जोड़, उसके लिए यूज करते. जैसे इस एग्जाम्पल, एक स्टेटमेंट ऑफ ऑल मनीज, जितना ही पैसा आपने चुकाया इन टू योर अकाउंट, उसका एक स्टेटमेंट दो. एक अपवाद और इसमें, सली लकवी, सली लकवी, इसमें लास्ट में क्यू यू वाई, तो वाई से पहले यू है, केवल एस जुड़ना चाहिए, लेकिन वाई हटा करके आई ई एस किया जाता है, वाई को हटा के आई ई एस किया जाता है, सली लकवीज. क्यों? क्योंकि क्यू वाई जो है ना, ये यू का साउंड देता ही नहीं है, क्यू वाई यहां कै का साउंड देता है, सली लकवी, या क्यू यू कै का साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है. तो कौन, या क्यू जो है ना, ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, क्यू यू मिलकर के कै का साउंड दे रहा है, तो इसमें केवल एस नहीं जोड़ेंगे, आई ई एस करेंगे. इसलिए सली लकवीज, सली लकवीज ड्रामा के अंदर होता है, जब कोई ड्रामा में कोई कैरेक्टर अपने मन की बात को स्टेज पर एक्सप्रेस करता है, बोल करके उसके मन में क्या चल रहा है, तो जो अपने आप से बात करता है, टॉकिंग टू हिमसेल्फ, उसे आप सली लकवी कहते हैं. ठीक है ना, तो सली लकवी, इसमें वाई ई एस करते हैं. अब आ जाओ एफ और एफ ई करो. एफ और एफ ई में, एफ और एफ ई को हटा करके वी एस करते हैं, और ऐसे 12 वर्ड्स हैं थॉमसन एंड मार्टिनेट के हिसाब से, 12 नाउन्स हैं अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड मार्टिनेट, केवल 12. लेकिन जैसे रेनन मार्टिन है, उसने एक शब्द और जोड़ दिया उसमें, ई एल एफ, 13 वर्ड. हालांकि वैसे रूल क्या है, ये कुछ 12 वर्ड्स है जो थॉमसन मार्टिनेट ने दिए, ओनली 12, ना एक कम ना एक ज्यादा,
जिनके लास्ट में एफ और एफ ही आता है, जैसे वाइफ है, लाइफ है, थीफ है, नाइफ है, ऐसे 12 वर्ड्स, इनमें एफ और एफ ही आता है। इन एफ और एफ ई को उठा करके वीईएस बनाते हैं और फिर प्लूरल बनता है। ये कहानी है, एफ और एफ ई को हटा करके वीईएस जोड़ देते हैं, एफ और एफ ई को तो ड्रॉप कर देते हैं और वीएस जोड़ देते हैं। ऐसे टॉमसन मार्टिनेट ने कितने वर्ड्स बताए दोस्तों? 12 वर्ड्स बताए। 12 वर्ड कौन कौन से हैं देखिए, काफ, सी एल एफ, काफ का क्या होगा? काउस। एफ को हटा करके क्या कर दिया अपने? वीईएस कर दिया। काफ का काउस, हाफ का हाउस, नाइफ का नाइव्स, लीफ पत्ती का लीव्स, लाइफ का लाइव्स, लॉफ का लॉज, रोटी पाव रोटी होती है, सेल्फ का सेल्स, इसमें एक जगह ई आएगा और इस प्लूरल को बीच में ले सकते हैं ना। ये 3, 3, 6, 7 वर्ड तो हो गए, टोटल 12 वर्ड्स आएंगे इसमें ना। ये सेल्फ की स्पेलिंग सही कर लेना, एस ई एल वी ई एस होगा। ऐसे देखो, शीफ, शीफ क्या होता है? शीफ होता है जो गेहूं की या कोई फसल की, जब हम लोग फसल काट लेते हैं और उनकी पुलियां बनाते हैं, है ना, जैसे बंडल बनाते हैं, अनाज की जो फसल होती है उसको काट करके जो उसके बंडल बनाए जाते हैं उसे शीफ कहते हैं। तो शीफ में जो एफ है उसको हटा के वी ई एस कर देते हैं। शेल्फ, जो अलमारी की, जो अलमारी में जो ऐसे अलग अलग शेल्फ होती है, है ना, उनको आप जो है सेल्फ कहते हैं, इसका प्लूरल सेल्स हो जाएगा। थीफ का थीव्स हो जाएगा, वाइफ का वाइफ्स हो जाएगा, वुल्फ का वुल्फ्स हो जाएगा। ये 12 वर्ड, इन 12 को ऐसे याद रख सकते हैं, थीफ की वाइफ ने वुल्फ के काफ को काट कर हाफ कर दिया, उसे मार दिया और उसे पका कर, ठीक है ना, उसके लाइफ को खत्म कर दिया और उसको पका कर उसके उसको जो शीफ के मतलब एक ना शीफ जो पुली आती है, पुलियां बनाते हैं, बंडल बनाते हैं, लीव की शीफ बना करके उसकी उसने लॉफ बनाई, रोटियां बनाई और सेल्फ खुद ही खा गई। तो 12 वर्ड्स ऐसे याद रख सकते हैं। थीफ की वाइफ ने वुल्फ, थर्ड वर्ड हो गया, के काफ उसके बछड़े को, उसके बच्चे को, काफ को हाफ, नाइफ से हाफ करके उसकी लाइफ खत्म कर दी, ठीक है ना, और लीफ की शीफ से लॉफ बना करके खुद ही खा गई, ठीक है। इस तरह से 12 वर्ड्स आपके क्या हो जाते हैं, है ना। तो शेल्फ, शेल्फ से नाइफ निकाल करके ऐसे याद रख सकते हैं, सेल्फ से नाइफ निकाल करके हाफ करके वुल्फ को और खा गई। तो 12 वर्ड्स है, इसमें एक अपवाद है, ये एल्फ, एल्फ का एल्स भी होता है, ये शायद रेनर मार्टिन में किया। एल्फ होते हैं जो ना जिनके लंबे लंबे नाक, लंबे लंबे कान होते हैं, जादुई क्रीचर होते हैं, है ना। इंग्लिश मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, हैरी पॉटर में भी है और लिंक्स वो रिंग्स ऑफ लॉर्ड्स में भी है, बहुत सारे उसमें ये है। एल्फ एक जादुई वो होता है, मैजिक पावर होती है उसके पास, लंबे लंबे उसके कान वान होते हैं। तो ये एल्फ का एल्स होता है जो इस 12 में नहीं है। इसके अलावा स्टिल लाइफ, अभी लाइफ का हमने पढ़ा था, लाइफ का प्लूरल लाइव्स होता है, लेकिन स्टिल लाइफ जो पेंटिंग में होती है ना, स्थिर एक फोटो, स्टिल लाइफ, उसका प्लूरल करते हैं तो स्टिल लाइफ्स होता है, सिंपल एस जोड़ के बनता है, वी एस जोड़ के नहीं बनता है। ये दो एक्सेप्शन है, एल्फ का एल्स होता है 12 के अलावा कह सकते हैं, और स्टिल लाइफ का स्टिल लाइव्स होता है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान। फिर देखिए, कुछ नाउन्स हैं जो एफ से एंड होते हैं, लास्ट में एफ है, एफ ई है, डबल एफ है, फिर भी इसमें केवल एस जुड़ता है, वी ई एस नहीं जुड़ता, केवल एस जुड़ता है इन द प्लूरल, ओनली बाय एडिंग एस टू द, केवल एस जोड़ करके ही प्लूरल बना लेते हैं। तो कौन से वर्ड्स हैं ऐसे? जैसे चीफ है, चीफ में एफ है, चीफ चीफ्स हो जाएगा, गल्फ खाड़ी गल्फ्स,
प्रूफ का प्रूफ्स, कैफे का कैफेज, क्लिफ का क्लिप्स, क्लिफ होती है चट्टान होती है, खड़ी पहाड़ की चट्टान है ना, खड़ी चट्टान क्लिफ, क्लिफ का क्लिप्स, सेफ तिजोरी सेफ्स, रूप यानी छत, छत का रूप्स। तो ये केवल एस जुड़ता है, इनके एफ हटा करके वी एस नहीं करते, चीफ गल प्रूफ कैफे क्लिप सेफ रूफ, ठीक है ना, ये कुछ वर्ड्स है जिनमें केवल एस जुड़ते हैं। और देखिए आप जैसे एग्जांपल है, आई हैव सीन टू चीफ्स, ये सही है, चीफ्स नहीं होगा, गलत हो जाएगा, देयर वर हाई क्लिप्स, एस जुड़ेगा केवल, क्लिप्स नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ऐसे ही गेव मी अ नंबर ऑफ प्रूफ्स, प्रूफ्स में एस जुड़ेगा, प्रूफ्स नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल हो गए। अब कुछ ऐसे भी हैं जिनके लास्ट में एफ और एफ ई आएगा, और इनके प्लूरल एस लगाने से भी होते हैं और वी एस लगाने से, दोनों फॉर्म में, जैसे हैंडकरचीफ एफ एस लग के भी हो सकता है, वी एस लग के भी हो सकता है, ड्वार्फ वार्फ, ठीक है ना। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनमें एस भी लगता है और वी ई एस भी लगता है, वो कौन सा है देखिए। कुछ एफ और एफ ई वाले वर्ड हैं जिसमें डबल प्लूरल होता है, डबल मतलब एस लग के भी होता है और वी ई एस लग के भी होता है, जैसे हु खुर, जानवरों जो खुर होते हैं उसमें एस लग के भी हो गया और हूज वी ई एस लग करके भी हो गया, हालांकि मोर कॉमन देन द प्लूरल इन एफ एस, ये जो हूज वाला है ना ये ज्यादा कॉमन है, वी एस लग के ज्यादा चलता है, ज्यादा कॉमन है एस की बजाय, देन द प्लूरल इन एफ एस, एफ एस की बजाय वी ई एस, जो एफ एस है ना उसकी बजाय वी ई एस वाला ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा कॉमन है। ऐसे ही स्कार्फ, स्कार्फ का स्कार्फ या स्कार्फ वी ई एस लगा के या एफ एस लगा, ठीक है ना, दोनों है, जो ज्यादा प्रचलित है वो वी ई एस वाला है। वार्फ होता है जो तट होते हैं, घाट होते हैं, झील के समुद्र के किसी तालाब के जो घाट होते हैं उनको वार्फ कहते हैं, वार्फ का वाप्स वाप्स दोनों है, एफ एस भी हो सकता है और वी ई एस भी हो सकता है। ऐसे ड्वार्फ, ड्वार्फ यानी बोना, ड्वार्फ्स भी और ड्वार्फ्स भी होता है। हैंकर चीफ, तो ये देखो चीफ अकेला चीफ आया था तो एस लगता था, हैंकर चीफ में एस लग के भी बन सकता है और वी ई एस होके भी हो सकता है, दोनों ही डबल प्लूरल हो सकता है। एफ और एफ की तीन बात कर ली, एफ और एफ हटा के वी एस, एफ और एफ को हटा करके उनमें साथ में एस और दो दो प्लूरल, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके, ही गेव मी टू हैंडकरचीफ्स, ये भी सही है, हैंडकरचीफ्स भी सही है, द काउज हूप्स भी हो सकता है, हूप्स भी हो सकता है, गाय के हूप्स को पेंट किया गया, वी केम अक्रॉस टू ड्वार्फ्स और ड्वार्फ्स, दोनों सही है, देयर वर मेनी वार्फ्स और वार्फ्स अलोंग द बीच, कई घाट थे बीच पर, वार्फ्स वी एस वाला भी सही है, एस वाला भी सही, द प्लूरल फॉर्म ऑफ इफ एक अपवाद है, एक और एक्स्ट्रा बात है, इफ का प्लूरल एस लगने से बनेगा, वी ई एस, आई एफ को हटा करके आई एफ में एफ को हटा के वी ई एस लगाना, ये गलत है। इफ का प्लूरल इप्स माना जाता है, नॉट ईव्स, ईव्स नहीं होता, इप्स होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके प्लूरल ना उनके वॉवल चेंज करने से होते हैं, इनसाइड वॉवल ऑफ द सिंगुलर, जैसे एमएन है, एमएन के अंदर इनसाइड अंदर एक ए वॉवल है, ए, तो इस इनसाइड वॉवल को ए को ई कर दो, एमएन में, एम ए एन में ए को ई कर दीजिए, एम ई एन हो जाएगा, बन जाएगा प्लूरल। कुछ नाउन्स हैं जिनके प्लूरल बनते हैं इनके इनसाइड वॉवल को चेंज कर, जैसे मैन में ए को ई कर दिया, वुमन में भी ए को ई कर दिया, लेकिन फुट में तो डबल ओ है उसको डबल ई कर दिया, फुट का फीट, टूथ डबल ओ का टीथ कर दिया, गूज डबल ओ का गीज कर दिया, माउस में माउस का माइस कर दिया, काफी चेंज कर दिया, इसमें लाउस का लाइस कर दिया, लाउस यानी जू, खूब सारे जू हो तो लाइस, माउस का माइस, माउस का माइस, लाउस का लाइस। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसे सिमिलर नाउन होते हैं, ऐसे नाउन्स होते हैं
जिनमें सिमुलर मैन के इनसाइड वॉवल को चेंज करके आप कर सकते हो। पर ध्यान रखना दो तीन बातें, अगर ये माउस कंप्यूटर वाला हो तो फिर ये माइस नहीं होता प्लूरल, माउसेज होगा। माउस का प्लूरल माउसेज होगा, कंप्यूटर वाले माउस की बात। और अगर वो माउस जो कुतरते हैं रेटलिंग करते हैं उनके लिए आप माइस करें। ऐसे ही जैसे गूज का गीज होता है, हंस का, खूब सारे हंस तो गीज, लेकिन एक जानवर होता है मोंगूज, उसमें भी गूज आता है, वो मोंगीज नहीं होगा, वो मोंगूजेज होगा। ऐसे थोड़ी इंग्लिश मैन का, इंग्लिश मैन एमियन हो जाता है, ठीक है ना, वो एक अलग चीज है। मैं ये बताता हूं आपको एक्स्ट्रा बात है, देखिए कंप्यूटर माउस का प्लूरल कंप्यूटर माउसेज होगा, माइस नहीं होगा। उसने दो माइस खरीदे फॉर इस कंप्यूटर, तो माइस नहीं, ये गलत है, माउसेज। कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो माउस का प्लूरल माउसेज होगा। आई सो फाइव माउसेज माइस रेटलिंग ऑन द ग्राउंड, मैंने चार चूहों को रेटलिंग करते हुए कुतरते हुए देखा जमीन के ऊपर, चार पांच चूहे देखे, तो माउसेज नहीं होगा या माइस होगा, माउसेज गलत है या माइस होगा। मोंगूस, मोंगूस का प्लूरल मोंगूजेज होगा, मोंगीज नहीं होगा, क्योंकि मोंगूज अलग जानवर है, गूस का गीज होता है, बट मोंगूस का मोंगीज नहीं होगा, मोंगूजेज होगा, ठीक है ना, ये ध्यान। ऐसे इंग्लिश मैन का प्लूरल और इंग्लिश वुमेन का प्लूरल, तो इंग्लिश मैन एमियन और एमियन से बन जाता है। जर्मन का प्लूरल लेकिन जर्मन्स होता है, एमियन का एमियन नहीं करेंगे, इंग्लिश मैन में हो जाएगा, इंग्लिश वुमेन में एमियन से एमियन हो जाएगा, लेकिन जर्मन में जर्मन्स रहेगा, जर्मेन ई से नहीं बनेगा। मुसलमान का मुसलमान्स होगा, ब्राह्मण का ब्राह्मण्स होगा, ठीक है ना। स्पेसिमेन, इसमें तो ऑलरेडी एमियन है, नमूना, स्पेसिमेन यानी नमूना, स्पेसिमेन का प्लूरल बनाना है तो स्पेसिमेंस होगा, एस लगाने से होगा, क्या लगाने से होगा, एस लगाने से। स्पेसिमेन में एमियन आ गया तो केवल एस लगा दो, उसका प्लूरल बन जाएगा। तो ये कुछ विशेष बातें हैं जो आपको साथ साथ में याद रखनी चाहिए। और देखिए दोस्तों, कुछ नाउन्स हैं जिनके प्लूरल ईएन लगाने से या आरईएन लगाने से, जैसे ऑक्स का ऑक्सन ईएन लगाने से, चाइल्ड का चिल्ड्रन आरियन लगाने से बन गया, ब्रदर का ब्रदर्स एस लगाने से बनता है, और ब्रदरन भी होता है इसका, ब्रदरन क्या होता है दोस्तों, ब्रदरन आरियन लगाने से होता है। अगर आप एक साथ पैदा हुए भाई हैं तो फिर आपका क्या होगा, ब्रदर्स हो जाएगा, लेकिन जो समाज के सोसाइटी के जो लोग हैं उनको अगर आप प्लूरल करना है तो ब्रदरन होगा, बी आर ओ टी एच आर ई एन, तो या तो ईएन लगाने से प्लूरल बनेंगे या आरियन लगाने से प्लूरल बनेंगे। ब्रदर का क्या हो जाएगा, ब्रदरन हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा ब्रदरन, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 9। ये क्या है दोस्तों, अगर कुछ लेटर्स आ जाए, कुछ अक्षर आ जाए, कुछ फिगर्स, कुछ आंकड़े आ जाए, वर्ब्स, कुछ वर्ब्स का प्लूरल, डू का प्लूरल आना डूज, कुछ एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म्स आ जाए, इनके प्लूरल दो तरह से बनाते हैं, या तो अपोस्ट्रफे एस जोड़ दो, अपोस्ट्रफे एस, या फिर स्मॉल एस जोड़ दो, छोटा एस, जैसे डू का प्लूरल बनाना है वर्ब है तो डूज, ठीक है ना, किन किन के लेटर्स, अक्षर के, फिगर्स आंकड़ों के, वर्ब्स जैसे विल का प्लूरल तो विल्स, और कुछ एब्रीवेशंस हो, इनके प्लूरल दो तरह से बनते हैं, बाय एडिंग एन अपोस्ट्रफे एंड एस, अपोस्ट्रफे एस जोड़ करके बना सकते हैं, ये ओल्ड मेथड है पुराना, और नया मेथड है बाय एडिंग ओनली ए स्मॉल एस, केवल एस जोड़ दो, क्योंकि अपोस्ट्रफे एस का काम वो पजेसिव केस के लिए भी हो जाता है, तो केवल छोटा एस जोड़ के भी काम कर सकते, ये ना नया तरीका है, मॉडर्न तरीका है, बात समझ रहे हैं, ये मॉडर्न तरीका है।
ओके बात समझ रहे आप लोगों को? इसमें एक रूल पीछे छोड़ दिया हम लोगों ने, वो देख लेना, आर्मफुल का, आर्मफुल्स होता है जो एफ यूएल जिसमें लगे होते हैं ना, एफ यूएल, उसमें एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, जैसे आर्मफुल का आर्मफुल्स, माउथफुल का माउथफुल्स, कपफुल का कपफुल्स, स्पूनफुल का स्पूनफुल्स, हैंडफुल का हैंडफुल्स, ठीक है ना? स्पूनफुल्स का स्पूनफुल्स होगा, स्पून स्पूनफुल नहीं होगा, एस पहले जुड़ेगा फुल के बाद जुड़ेगा, हैंड्सफुल नहीं होगा, हैंडफुल्स होगा, हैंडफुल्स, ठीक है ना? और फिर लेटर वाली बात कर ही रहे थे हम लोग, अब इस लेटर वाली बात में दो तीन बातें हैं जो अलग अलग, मतलब चार पांच पॉइंट्स हैं अलग, वो देखने पड़ेंगे। द प्लूरल ऑफ लेटर, अगर कोई लेटर है, जैसे लेटर होता है एल ए बी सी, कुछ भी इंग्लिश में जो 26 लेटर्स होते हैं, लेटर आ जाए, फिगर 5, 6, 7, 8 इस तरह की बात है, वर्ब्स विल शैल कैन, है ना, जो भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो भी है, इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अपोस्ट्रोफे एस ऑन, इनमें केवल अपोस्ट्रोफे एस जोड़ करके इनके प्लूरल बनाए जाते हैं, अपोस्ट्रोफे एस जोड़ कर। जैसे वॉल में दो एल है, देर आर टू एल्स, अपोस्ट्रोफे एस जोड़ के, वर्ड वॉल है उसमें दो एल है, देर आर टू एल्स, देर आर मोर ईज देन एज इन दिस पेज, इस पेज में ए की बजाय ई ज्यादा है, ए से ई ज्यादा है, शी स्पेल्ड नेसेसरी विथ टू सीज, नेसेसरी में एक सी है बट वो दो सी लिख देता है, टू सीज, दो सी लिख देता है, ठीक है ना? एड टू फाइव एंड फोर टूज, दो फाइव जोड़ो और चार टूज जोड़ो, तो ये देखो ये सब लेटर्स थे, यहां पर आ गए नंबर्स, फिगर, फिगर का दो पांच है तो फाइव, दो फोर है तो टूज, फोर फोर है, फोर टूज है तो टू का प्लूरल टूज होगा, सिक्स का प्लूरल सिक्स होगा, योर फाइव एंड थ्री लुक अलाइक, तुम्हारे जो पांच तुम लिखते हो, जो तुम्हारे जो तीन तुम लिखते हो, फाइव और तीन तुम्हारा एक जैसा दिखता है, तुम फाइव बनाते हो और तुम तीन बनाते हो, कई बार तुम्हारे फाइव और तीन एक जैसे नजर आते हैं, अभी मेरे तो अलग अलग नजर आ रहे हैं पर तुम्हारे एक जैसे नजर आ रहे हैं, तो योर फाइव्स एंड थ्रीज, तो फिगर के और लेटर के प्लूरल अपोस्ट्रोफे से बनाए जाते हैं जनरली, ठीक है ना? अपोस्ट्रोफे से बनाए जाते हैं, समझ रहे बात को आप लोग, अपोस्ट्रोफे से। और देखिए आप आगे इसके अंदर 9b, the plural of year can be made by both ways. अगर year के plural करने हो अपने को, year के plural करने हो, तो year के plural कैसे बनेंगे? दोनों तरह से बन सकते हैं, apostrophe s से भी बन सकते हैं और एक small s लगा के बन सकते हैं, year के plural बना लेते हैं। 90s apostrophe s से बन सकता है और small s से भी बन सकता है, ठीक है? तो ये हालांकि जो small s लगा के बनाना plural है वो ज्यादा common है, स्मॉल एस, छोटा एस लगा करके जब आप प्लूरल बनाते हैं तो वो ज्यादा वो रहता है। ऐसे देखो आप, आई लव द 1960s, अपोस्ट्रोफे लेके बना लिया, द 1960s भी कह सकते हो, स्मॉल एस लगा के बना सकते हो, छोटे एस वाला ज्यादा प्रचलित है, अपोस्ट्रोफे एस लगा करके इतना ज्यादा प्रचलित नहीं है, कॉमन ज्यादा कौन सा है? स्मॉल एस, तो ईयर में ऐसा होता है, दोनों हो सकते हैं, स्मॉल एस ज्यादा प्रचलित है लेटर में और फिगर में, लेटर और फिगर में अपोस्ट्रोफे एस लगाकर प्लूरल बनाना ज्यादा सही रहता है, ठीक है ना? तो ये बातें हैं कुछ, और देखते हैं इसी के अंदर 9c, प्लूरल ऑफ नंबर्स न्यूमरल्स रिटन इन वर्ड्स, अगर कुछ नंबर को आपने वर्ड्स में लिख दिया तो फॉर्म बाय एडिंग ए स्मॉल एस, फिर उसमें आप स्मॉल एस जोड़ो, अगर देखो टू है फिगर में तो अपोस्ट्रोफे एस लगाकर प्लूरल बनता है, लेकिन टू इसको वर्ड में लिख दिया तो एस लगाकर बनेगा, स्मॉल एस, टू का प्लूरल टूज होगा, ऐसे अपोस्ट्रोफे ऐसे नहीं, फोर का फोर्स होगा, लेकिन फोर ऐसे लिखते हैं तो ऐसे प्लूरल बनता है उसका, जैसे एवरीथिंग इज एट सिक्सेस एंड सेवंस, सिक्सेस और सेवंस होगा, ऐसे आप ये तो सिक्सेस होता है लेकिन इसमें आप केवल एस नहीं जोड़ेंगे,
मतलब अपोस्ट्रोफ एस जोड़ेंगे स्मॉल एस. अब सिक्स में तो क्या हो, लास्ट में एक्स है ना, इसलिए ईएस जोड़ दिया. सिक्सेस एंड सेवंस, नॉट सिक्सेस, ऐसे नहीं होगा, या ऐसे नहीं होगा, सिक्सेस एंड सेवंस इस तरह से लिखा जाए, ऐसे नहीं लिखा जाएगा. बात समझ आ रही है आपको? ये तो कहने का मेरा मतलब ये है, अगर केवल फिगर्स हों, लेटर्स हों, तो अपोस्ट्रोफ एस बना के प्लूरल, ईयर दे रखा हो तो फिर उसका स्मॉल एस से, अगर कोई फिगर वर्ड्स में दे रखा है तो स्मॉल एस से बनेगा. ये तीसरी बात हो गई. आगे देखते हैं इसी के अंदर, एब्रीविएशन का जो प्लूरल होता है वो अपोस्ट्रोफ एस से भी बनता है और स्मॉल एस से बनता है. पुरानी इंग्लिश तो है अपोस्ट्रोफ एस से बनाओ, नई इंग्लिश क्या कहती है, एक तो दो बातें कहती है, जो डॉट डॉट से बनाते हो ना शॉर्ट फॉर्म, ये डॉट्स मत यूज किया करो. मॉडर्न इंग्लिश कहती है कि एमए को ऐसे ही लिख दो, और प्लूरल भी ना अपोस्ट्रोफ एस के बजाय अच्छा है कि आप केवल स्मॉल एस लिख दो, दोनों तरह से हो सकता है. इन द करंट इंग्लिश, जो अभी नई इंग्लिश है, वी डोंट यूज फुल स्टॉप आफ्टर एब्रीविएशन. ये जो एब्रीविएशन बनाते हो ना, इसमें फुल स्टॉप का यूज अब नहीं करते, है ना. और यूज ए स्मॉल एस, और प्लूरल बनाना हो तो स्मॉल एस करें, द प्लूरल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन, एंड लीव अपोस्ट्रोफ एस फॉर द पजेसिव केस. अपोस्ट्रोफ एस को छोड़ दो पजेसिव केस के लिए, स्मॉल एस से काम करो. जैसे एग्जांपल देखिए आप लोग, एमपी का प्लूरल बनाना है तो देखो एमपी में तो डॉट्स यूज नहीं किए, और एमपीज स्मॉल एस से बना. वीआईपी का वीआईपीज, इनकी फुल फॉर्म दे रखी है, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. वीआईपी इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. MLAs, members of legislative assembly. OAPs, old age pensioners. OAP, old age pensioners. UFO, unidentified flying objects. UFO का plural, UFOs, unidentified flying objects. कहने का मतलब है कि अगर ये short form abbreviated हो, तो पुराने English तो इनको ऐसे लिखती थी, MAs, dot लगा के apostrophe s. मॉडर्न इंग्लिश एक तो डॉट में लगाती बीच में और स्मॉल एस से प्लूरल बनाती है. अब इसमें चक्कर और पड़ता है, जैसे एमए भी है, इसमें अगर वो डिग्री है तो प्लूरल अलग तरह से बनेगा, अगर एमए करा हुआ कोई व्यक्ति की बात कर रहे हो तो प्लूरल अलग तरह से बनेगा. ये बात एक और देखिए आप लोग, पहले तो एग्जाम्पल दिए कुछ और, पीसीज आर गेटिंग चीपर, पीसीज एस लगा के बना सकते हैं स्मॉल और अपोस्ट्रोफ एस. आजकल ये जो स्मॉल एस है ज्यादा कॉमन. MPs represent the people. MPs करोगे तो सही नहीं रहता. MPs car, आजकल MP की car. ये MPs क्या है? Apostrophe S. इसका मतलब है ये उसका possessive case है. MP की car हो. MPs मतलब plural है. इसलिए कहते हैं apostrophe S को आप possessive case के लिए छोड़ दो. Plural बनाना तो small s से बनाओ. The MP's car was damaged. MP की car damaged हो गई थी. Not MPs. क्योंकि यहाँ पे possessive case है. ऐसे 50 DIGs इन जयपुर, ऐसे नहीं बोलेंगे 50 DIGs. एक तो ना ऐसे फिगर में कम लिखते हैं हम लोग, कोशिश करें कि फिगर को आप वर्ड्स में लिखें. और DIGs है तो अपोस्ट्रोफ ऐसे बना दिया, ये वाक्य सही है. और अगर आप 50 DIGs करते हो तो ये वाक्य भी सही, ज्यादा सही है. स्मॉल एस आजकल डॉट्स हटा देते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, और प्लूरल भी अपोस्ट्रोफ ऐसे बनाने के बजाय स्मॉल एस से बनाए जाते हैं, ठीक है ना. तो इस तरह से आप इस बात को ध्यान रखें. इसमें एक बात और है इसी के अंदर, एक पांचवा पॉइंट आ गया, लेटर डिग्री इन्हीं के अंदर. एब्रीविएशन अगर किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करती है तो उसकी प्लूरल फॉर्म स्मॉल एस से बनाओ. पर्सन्स को, जैसे एम ए कर रहे हो, किसी व्यक्ति की बात कर रहे हो तो स्मॉल एस से बनाओ. और अगर एम ए डिग्री है, अगर एब्रीविएशन डिग्री, अगर वो डिग्री है, डिग्री है तो फिर प्लूरल फॉर्म करके, मतलब वो अपोस्ट्रोफ एस से, प्लूरल फॉर्म अपोस्ट्रोफ एस. कोई पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो स्मॉल एस से, अगर किसी डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अपोस्ट्रोफ एस, ठीक है ना. तो अगर वो एब्रीविएशन पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो स्मॉल एस से, डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अपोस्ट्रोफ एस. जैसे मोस्ट ऑफ द एमएस आर अनएम्प्लॉयड, अधिकतर एमएस जो है वो अनएम्प्लॉयड है. किसकी बात हो रही है? एमए करे हुए लोगों की बात हो रही है. तो लोगों की बात हो रही है तो स्मॉल एस लगाओ, और यहां पे क्या लगा दिया? अपोस्ट्रोफ एस. तो वाक्य क्या हो गया अपना? ये गलत.
वाक्य गलत। और देखो कैसे बनना चाहिए था, मोस्ट ऑफ द एम एस, क्योंकि लोगों की बात हो रही है ना, एम ए करे हुए लोग की बात हो रही है, तो स्मॉल एस से बनेगा और फिर बना देंगे आप मोस्ट ऑफ द एम एस आर अनएम्प्लॉयड। ये वाक्य ठीक है, ये वाला गलत है, क्योंकि पर्सन की बात कर रहे हैं तो फिर स्मॉल एस से बनाओ, अपोस्ट्रोफ एस से बात बनाओ, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट वर्ड, शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रीविएशंस के काफी सारे रूल हुए हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, देखो आई हैव डन टू एम एस, मैंने दो डिग्री कर रखी है, ठीक है डिग्री की बात हो रही है, अपोस्ट्रोफ एस आ जाएगा। अबाउट 20 एमएलए, 20 एमएलए, तो अपोस्ट्रोफ एस थोड़ा सही नहीं होता, आप इसको एमएलए करें, क्योंकि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में यही होता है। मोस्ट ऑफ आवर एमपीस, ठीक है, एमपीस आर नॉट ऑनेस्ट, मॉडर्न इंग्लिश में जो गलत मानती है ये है। टू हेडमास्टर्स, ये यहां पर टू एचएम्स, देखो ये सही है, टू हेडमास्टर्स, टू एचएम्स भी, ये पर्सन है ना, तो अपोस्ट्रोफ एस से नहीं, स्मॉल एस से करो। अगर कोई पर्सन की बात हो रही है शॉर्ट फॉर्म में, तो स्मॉल एस जोड़ो, अपोस्ट्रोफ एस नहीं जोड़ना है, ठीक है ना, ऐसे करना। ये एक और देखो शॉर्ट फॉर्म में, प्लूरल्स ऑफ सम एब्रीविएशन सिंगल लेटर, अगर किसी का शॉर्ट फॉर्म एक लेटर में बन रहा है, जैसे एम ए इसमें दो लेटर है, लेकिन कई बार क्या होता है एब्रीविएशन जो होते हैं ना वो सिंगल लेटर के बनते हैं, इनका अगर प्लूरल बनाना है तो डबलिंग दीज लेटर्स, इन लेटर को डबल कर दो, जैसे पी, पेज का एब्रीविएशन पी होता है, पेज का एब्रीविएशन पी होता है, और पी का इसका प्लूरल करना हो तो पी पी हो जाए, पीज नहीं करेंगे या अपोस्ट्रोफ एस करके नहीं करेंगे, दोनों गलत हो जाएंगे, डबल पी से करेंगे। पी का प्लूरल पी पी, पेजेस, एल का एल एल, लाइंस, और सी का सी सी, सेंचुरीज, ठीक है ना, ऐसे प्लूरल बनाते हैं, पी का पी पी, एल का एल एल, सी का सी सी, ठीक है ना। तो ये भी एक बात ध्यान रखना आपको। आगे देखो आप रूल नंबर 10, मिस्टर का प्लूरल बनाना है, मिस्टर एम आर, तो मिस्टर का प्लूरल होता है मैसर्स, एस लग के इसे फुल फॉर्म ये होती है, एम आर को जिसको मिस्टर कहते हैं इसका प्लूरल मैसर्स होता है। तो कभी आपने दुकानों पे देखा होगा है ना, मैसर्स, तो मतलब वो मैसर्स मतलब उसमें दो चार पांच पार्टनर है जिनका प्लूरल कर दिया गया एक साथ, ऐसे ब्रदर्स होता है, ऐसे मैसर्स होता है, तो मिस्टर का प्लूरल मैसर्स होता है। प्लूरल बिफोर अ लिस्ट ऑफ नेम्स, इसमें खूब सारे नाम की लिस्ट दे रखी हो, बिजनेस कंपनीज के नाम, उनके अंदर मैसर्स लिखा जाता है, जैसे 10-5 मिस्टर हैं, उनका प्लूरल बनाना है तो मैसर्स हो गया, कोई कंपनी है कई लोग पार्टनर बने हुए हैं तो मैसर्स, मिसेस जो होती है ना मिस्ट्रेस, मिस्टर का मिस्ट्रेस MRS, इसका प्लूरल है ना मैजडैम्स होगा, मैजडैम्स, मैडम्स, ऐसे तो स्पेलिंग करते हैं मैडम्स या मैम्स, ऐसे प्लूरल करते हैं, ये कुछ अलग ही है, मैडम का मैडम्स या वही मैजडैम्स, इसी की तरह मिस का मिसेज हो जाता है, मिस का मिसेस, डबल एफ वाला रूल लगा दिया इसमें, टी एस कर दिया, मिस्टर एम आर का मैसर्स, एम आर एस का मैडम्स या मैडम्स या मैम्स, मैडम का तो मैडम्स होता ही है, या इसका भी इस तरह से कर लेते हैं हम लोग, और मिस का मिसेस होता है, मिस का क्या करते हैं दोस्तों, मिसेस करते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म ही है मिस्टर और मिसेस और मिस, इनका ऐसे बनाया जाता है। ये एग्जांपल है, देखो मैसर्स स्मिथ ब्राउन एंड जोन्स, तीन नाम दे रखे स्मिथ ब्राउन और जोन्स, अब सबके मिस्टर 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 लगाए, मिस्टर स्मिथ, मिस्टर ब्राउन, मिस्टर जोन्स, इनका प्लूरल कर दिया एक साथ ही मैसर्स, मिस्टर का प्लूरल कर दिया एक साथ ही मैसर्स, ऐसे मैसर्स टी ब्राउन एंड कंपनी, ऐसा ना कंपनीज के नाम होते हैं, मैसर्स टी ब्राउन एंड कंपनी, टी ब्राउन और भी साथी हैं उनके, इसलिए मैसर्स कर दिया। मिस्टर व्हाइट का प्लूरल मैसर्स व्हाइट, या द मिस्टर व्हाइट्स भी कर सकते, एक और है द मिस्टर व्हाइट्स,
मिस स्मिथ का द मिस देखिए था द मिस स्मिथ या मिसेस स्मिथ, ये मिस्टर और मिस के प्लूरल की बात है, तो इनको थोड़ा देख लेना। पर देखो बहुत ज्यादा इनपे ऐसे सिंगुलर प्रीफिक्स क्वेश्चंस बनते तो नहीं है, बट फिर भी आपको ना बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब और लास्ट रूल आज की बात कर लेते हैं, इसमें कुछ दो तीन बातें हैं वो देखते हैं। प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा नाउन्स एक साथ मिल जाए, जैसे स्टेप फादर, बॉयफ्रेंड, फाउंटेन पेन, कमांडर इन चीफ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो अगर कंपाउंड नाउन्स आ जाए तो इसमें भी फिर तीन चार बातें। कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड मतलब टू और मोर देन टू नाउन्स सब एक साथ जोड़ दिया, तो उनके प्लूरल कैसे बना है। कंपाउंड नाउन्स फ्रॉम द प्लूरल इन डिफरेंट वेज, इनके भी अलग अलग तरह से डिफरेंट तरीके हैं, बट प्लूरल इन लास्ट एलिमेंट इज द मोस्ट यूज़। फिर भी अगर कोई कंपाउंड नाउन है तो उसमें जो लास्ट एलिमेंट होता है, जैसे स्टेप फादर, तो स्टेप फादर्स हो जाता है, लास्ट एलिमेंट में एस लगाकर ई एस लगाकर प्लूरल बना देते हैं। जनरल रूल तो ये लास्ट एलिमेंट का प्लूरल बनाते हैं। अब इसमें लेकिन कई बातें हैं, फिर भी तो पहली बात पढ़ रहे हैं 11 के अंदर ए, प्लूरल इन फर्स्ट एलिमेंट, पहले एलिमेंट में प्लूरल कैसे बनाए, पहले एलिमेंट, ठीक है ना, कुछ में पहले एलिमेंट में होता है, खासकर जिसमें प्रपोजिशन लगे होते हैं ना, मदर इन लॉ, तो मदर इन प्रपोजिशन आ गया तो मदर्स इन लॉ होता है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, कोई नाउन आ जाए, बीच में कोई प्रपोजिशन आ जाए और फिर नाउन, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो, या केवल नाउन प्रपोजिशन हो तब भी वो बी में पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर द फर्स्ट एलिमेंट इज मेड, तो ऐसे स्ट्रक्चर में फर्स्ट एलिमेंट को प्लूरल बनाते हैं, मदर इन लॉ, तो मदर नाउन है, फिर एक इन प्रपोजिशन आ गया, फिर नाउन, तो पहले एलिमेंट में प्लूरल बनेगा, तो मदर में एस लगेगा, लॉ में एस नहीं लगेगा, मदर्स इन लॉ, ऐसे फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ आ जाए तो सिस्टर्स इन लॉ, कमांडर इन चीफ का कमांडर्स इन चीफ, कोर्ट ऑफ मेल, कवच होता है कवच, कोर्ट ऑफ मेल, कोर्ट्स ऑफ मेल, देखो यह ऑफ प्रपोजिशन आ गया, मैन ऑफ वॉर, एक बड़ा जहाज होता है, मैन ऑफ वॉर युद्ध का जहाज होता है, मैन ऑफ वॉर, पहले एलिमेंट का प्रयोग कर दिया, एम ए एन को एम ई एन कर दिया, ठीक है ना, फर्स्ट एलिमेंट में प्लूरल बना देते हैं। अगर प्रपोजिशन साथ में दे रखा हो, ऐसे देखिए आप, नेक्स्ट नाउन दे रखा हो कोई वर्ब प्लस ईआर से, जैसे लुकर, पासर, हैंगर, रनर, वर्ब में ईआर जोड़ दिया, लुक वर्ब थी इसमें ईआर जोड़ दिया, पास वर्ब में ईआर जोड़ दिया, ऐसा कोई नाउन है जैसे वर्ब प्लस ईआर दे रखा हो और फिर एडवर्ब दे रखा हो स्थान के बारे में, लुकर ऑन, बाई, ऑन, अप, कोई एडवर्ब कोई प्रपोजिशन दिया हो, इस तरह से वर्ड्स दिए हो, तो इस स्ट्रक्चर में भी पहले एलिमेंट का प्रयोग होता है। लुकर ऑन दर्शक होता है, लुकर ऑन दर्शक, रास्ते चलते कुछ सीन दिखाई देगी आपने देख लिया, लुकर ऑन, तो लुकर में एस जुड़ेगा, लुकर्स ऑन, पासर बाई राहगीर, इसका प्लूरल बनाना है तो जिसमें प्रपोजिशन या एडवर्ब बजाना है इस तरह के, उसमें पहले वाले एलिमेंट में एस जोड़ा जाता है, तो क्या होगा, पासर्स बाय, हैंगर ऑन का क्या हो जाएगा, हैंगर्स ऑन, रनर अप का क्या हो जाएगा, रनर्स अप, पहले वाले एलिमेंट, इसके दो अपवाद एक्सेप्शन है, एक तो अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल में अटॉर्नी जनरल होता है, देखो पहले वाले में जुड़ा, जबकि इसमें कहीं कोई प्रपोजिशन नहीं था, प्रपोजिशन जुड़ते हैं तब पहले वाले में एस लगता है, यहां कोई प्रपोजिशन नहीं है फिर भी देखो पहले वाले में एस जुड़ रहा है, ये ट्रेडिशनल तरीका यही था, इसलिए अपवाद है, आजकल तो इसको बाद वाले में जोड़ने लग गए, अभी कॉमन हो गया, आजकल मोर यूजुअल अभी चल रहा है, नॉटरी पब्लिक में भी कोई बीच में प्रपोजिशन नहीं है, बाद वाले में एस जोड़ना चाहिए था लेकिन इसमें पहले वाले में जुड़ता है, नॉटरीज पब्लिक पहले वाले में, ये दो अपवाद है, अटॉर्नी जनरल और नॉटरी पब्लिक, ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं दोस्तों।
ये हो गया ए, जब पहले वाले एलिमेंट में आप एस जोड़ते हैं। अब आप बाद वाले में जोड़ेंगे, प्लूरल इन लास्ट एलिमेंट, ये मेन नाउन, जो मेन जो नाउन होता है बाद वाला सेकंड वाला उसमें एस जोड़ता है। जैसे मेजर जनरल, तो मेन तो जनरल ही है ना, मेजर तो बड़ा जनरल बता रहा हूँ, तो जनरल में एस जुड़ेगा, मेजर जनरल, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, गर्लफ्रेंड का गर्लफ्रेंड्स, क्लोजअप का क्लोजअप्स, पिक, ये देखो क्लोजअप में एप है फिर भी बाद वाले में जुड़ रहा है, क्योंकि क्लोज में ईआर नहीं है। वो नियम क्या था, वर्ब में ईआर जुड़े और फिर कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव, वो विशेषण, वो एडवर्ब या प्रोपोजिशन दे रखा हो, तब पहले वाले में एस जोड़ते हैं। जैसे हैंगर्स ऑन, लुकर्स ऑन, या बाद वाले में जुड़ेगा, क्लोजअप्स, पिक पॉकेट, जेब कतरा, पिक पॉकेट्स, बाद वाले में, स्टेप मदर का स्टेप मदर्स, मेड सर्वेंट का मेड सर्वेंट्स, बाद वाले में जुड़ेगा, नौकरानी, नौकरानी, मेड सर्वेंट्स, ऐसे ही जेंटलमैन, एम ए एन, बाद वाले का प्लूरल बना देंगे जेंटलमैन, एम ए एन। अब इसमें देखो, इसे मेड सर्वेंट का तो बाद वाले में कर दिया, अगर यह मैन सर्वेंट आ जाता, नौकर, मैन सर्वेंट, तो बताओ प्लूरल किसका करते, मैन सर्वेंट आ जाता, फिर प्लूरल होता किसका, दोनों का होता, एम एन का भी होता और सर्वेंट का। मतलब अगर प्रोफेशन वगैरह बताने के लिए यहां पर मैन और वुमन वर्ड आ जाते हैं, मैन और वुमन, वुमन डॉक्टर, वुमन टीचर, मैन सर्वेंट, तो ऐसे केस में प्लूरल दोनों ही एलिमेंट के बनते हैं। लेकिन अगर मैन ईटर हो, मैन हेटर हो, वुमन हेटर हो, तो फिर जो है वो केवल बाद वाले में ही ऐसा लगता है। तो मैं दोनों बात बताता हूं आपको, देखो भाई, जेंटलमैन का जेंटलमैन एमियन बाद वाले में हो गया, मेड सर्वेंट में मेड सर्वेंट होगा, अगर मैन सर्वेंट आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, मैन सर्वेंट आ जाए, प्लूरल इन बोथ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, पहले में भी प्लूरल बनाएंगे, लास्ट वाले का प्लूरल बनाएंगे, जब मैन और वुमन इज द फर्स्ट वर्ड और नाउन, अगर मैन और वुमन पहला वर्ड हो या पहला नाउन हो, बोथ द एलिमेंट्स आर मेड प्लूरल, तो दोनों ही एलिमेंट्स के प्लूरल बनाए जाते हैं, मैन का भी बनाएंगे, सर्वेंट का भी बनाएंगे, वुमन सर्वेंट आ जाए, वुमन, विमेन सर्वेंट्स, इसका भी प्लूरल, इसका भी प्लूरल, वुमन डॉक्टर आ जाए तो विमेन डॉक्टर्स, दोनों का प्लूरल, यहां पर भी प्लूरल, यहां पर भी प्लूरल, मैन टीचर आ जाए तो मैन एमियन भी होगा और टीचर में भी एस लगेगा, ऐसे ही मैन सर्वेंट आ जाए, मैन डॉक्टर आ जाए, मैन सर्वेंट का क्या होगा, एमईएन, और सर्वेंट में भी एस लगेगा, दोनों का, दोनों का, क्योंकि ये प्रोफेशन को शो करते हैं। लेकिन अब इसमें अगर इस तरह के वर्ड ना है, सर्वेंट, डॉक्टर, टीचर, और ऐसा जाए मैन हीटर, वुमन, मैन हेटर, वुमन हेटर, वुमन लवर, तो फिर बाद वाले में ही होगा, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट हो रहे, एक्सेप्शन है इसके, मैन ईटर अगर आ जाए, नरभक्षी जानवर कोई हो, मैन ईटर कोई दूसरा जानवर है, मैन ईटर, तो प्लूरल जो होता है वो मैन ईटर्स बाद वाले में होगा, नॉट मैन ईटर्स, दोनों का प्लूरल नहीं होगा, केवल बाद वाले का। ऐसे वुमन हेटर आ जाए तो वुमन हेटर्स केवल बाद वाले में होगा, वुमन लवर आ जाए तो वुमन लवर्स बाद वाले में, ठीक है ना। और इसी रूल में एक लास्ट रूल और देख लीजिए, दो शब्दों का कंपाउंड नाउन है, कोर्ट मार्शल, तो प्लूरल क्या होगा, कोर्ट्स मार्शल, ये ज्यादा फॉर्मल है, फॉर्मलिटी में लैंग्वेज में यूज होता है, फॉर्मल लैंग्वेज में, और कोर्ट मार्शल्स ये कम फॉर्मल है, मतलब इनफॉर्मल है, दोनों तरह के हो सकते हैं, कोर्ट्स मार्शल भी ठीक है, फॉर्मल है, कोर्ट मार्शल्स भी हो सकता है, कम फॉर्मल है, ठीक है ना। तो इस पार्ट में हमने ये पढ़ा दोस्तों, इस वाले पार्ट में जो पार्ट वन पढ़ा हमने, कि कौन कौन से प्लूरल बनाने की रूल होता है, सिंगुलर नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन क्या होता है, और इसके 11 हमने रूल्स पढ़ लिए, 11 अलग अलग रूल्स पढ़ लिए कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बना। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं जो दूसरी लैंग्वेज से, ग्रीक से, लैटिन से, फ्रेंच लैंग्वेज से, इनसे लिए गए, इनके सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल वही लैंग्वेज के होते हैं, फॉरेन लैंग्वेज के रूल लगते हैं, तो वो उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है दोस्तों। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।
चाओ।